नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी विमर्श के आज के पॉडकास्ट में। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं और सराहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। प्रोजेक्ट कुशा यानी भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। हम इसमें आपको इस प्रोजेक्ट की तकनीक क्षमता और इसके महत्व को मतलब आसान और सरल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक सही जानकारी सही रूप में पहुंचे। और हाँ, शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक देसी विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वो जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि अगला पॉडकास्ट आप मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सवाल जो अक्सर उठता है कि भारत कब तक रूस से S-400 और फिर शायद S-500 खरीदता रहेगा। मतलब क्या हुआ अगर कल को रूस का मन बदल जाए या कोई और दिक्कत आ जाए, क्या भारत के पास अपनी कोई योजना है? यहीं पर आता है प्रोजेक्ट कुशा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है ये असल में? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रोजेक्ट कुशा भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मतलब स्वदेशी पहल है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य है एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जिसे हम सैम कहते हैं, वो विकसित करना। और लक्ष्य ये है कि ये रूस के S-400 और S-500 जैसे जो उन्नत सिस्टम्स हैं उनकी क्षमताओं के बराबर हो या शायद उनसे भी बेहतर हो। अच्छा, उनसे भी बेहतर, ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। जी हाँ, और ये रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इसका नाम भी काफी दिलचस्प है, भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर रखा गया है और इसे बना रहा है DRDO यानी हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ मिलकर। हाँ, DRDO और BEL दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका इरादा एक मल्टी लेयर्ड मतलब बहुस्तरीय हवाई रक्षा कवच बनाना है। ये सिस्टम कई तरह के हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम होगा। कई तरह के खतरे जैसे कि? जैसे आजकल जो स्टेल्थ विमान होते हैं जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। हाँ, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, फिर क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स जो आजकल बहुत आम हो गए। हाँ, ड्रोन तो आजकल हर जगह है। और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी, तो मतलब एक व्यापक सुरक्षा कवच। बैलिस्टिक मिसाइलें भी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है। और यहाँ एक बात और जो इसे और रोमांचक बनाती है, जो जानकारी मतलब भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग को दी गई है उसके अनुसार प्रोजेक्ट कुशा की एक मुख्य विशेषता है Mach 7 तक की गति से यात्रा करने वाली हाई स्पीड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों ASBMs को रोकने की क्षमता। Mach 7 मतलब आवाज की गति से 7 गुना तेज, करीब 8600 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये क्षमता वाकई भारत की रक्षा तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग होगी। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें रोकना बहुत मुश्किल माना जाता है। सही कहा, तो ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, अब देखिए इस प्रणाली में 3 अलग अलग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी। M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर। फिर M2 वो 250 किलोमीटर रेंज की है। ओके, 250। और M3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। 350 किलोमीटर, ये तो काफी लंबी रेंज है। जी, और इन मिसाइलों में काफी एडवांस्ड टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, जैसे डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। डुअल पल्स मोटर, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि मिसाइल अपनी रफ्तार और रास्ते को उड़ान के दौरान बदल सकती है, मतलब ज्यादा लचीलापन मिलता है टारगेट को मारने के लिए। और इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी ASA सीकर्स लगे हैं। ASA सीकर्स, ये तो वही तकनीक है जो आजकल के एडवांस्ड फाइटर जेट्स के रडार में होती है। हाँ बिल्कुल वही, इनकी मदद से मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकती है और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी बेहतर तरीके से बच सकती है। इसके अलावा सटीक निशाना लगाने के लिए इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेंस सिस्टम भी हैं, मतलब कई तरह के सेंसर मिलकर काम करते हैं। तो तकनीक के मामले में तो ये काफी उन्नत लग रहा है, और इसके रडार सिस्टम्स का क्या, वो भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, रडार तो आंखें हैं इस सिस्टम की। बताया जा रहा है कि इसके रडार सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाने में सक्षम होंगे। 600 किलोमीटर, ये तो बहुत ही प्रभावशाली निगरानी क्षमता है, मतलब काफी दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई खतरा आ रहा है। जी, अब अगर हम इसके रणनीतिक महत्व की बात करें तो ये प्रणाली भारत के पास जो अभी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जैसे MRSM और जो S-400 हमने लिया है, उनके बीच का जो गैप है उसको भरेगी। अच्छा, मतलब एक लेयर और जुड़ जाएगी सुरक्षा में। बिल्कुल, इससे एक ज्यादा मजबूत
बहुस्तरीय रक्षा वास्तुकला बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भारतीय वायुसेना का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है यानी ISCCS, हाँ, ISCCS, उसके साथ और जो मौजूदा प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे S-400, आकाश, बराकेट, इन सब के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सके, मतलब इंटीग्रेट किया जा सके। तो ये ISCCS के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये हुआ कि वायुसेना के कंट्रोल सेंटर से इस सिस्टम को भी ऑपरेट किया जा सकेगा और इसकी जानकारी बाकी सिस्टम्स के साथ शेयर की जा सकेगी। तो दुश्मन कहीं से भी आए, हमारे पास एक पूरी तस्वीर होगी और हम सही हथियार से उसका मुकाबला कर पाएंगे। सब मिलकर काम करेंगे। समझ गया, एक तरह से टीम वर्क बढ़ जाएगा डिफेंस सिस्टम्स का। बिल्कुल सही। अब एक और अहम सवाल, पैसा, लागत कितनी आएगी इसकी? हाँ, लागत हमेशा एक बड़ा फैक्टर होता है। जो शुरुआती अनुमान है उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए 5 स्क्वाड्रन बनाने की लागत करीब 21,700 करोड़ रुपए आ सकती है। 21,700 करोड़ रुपए, सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है। हाँ, रकम तो बड़ी है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना बाहर से ऐसे ही सिस्टम खरीदने से करें तो ये काफी किफायती है। अच्छा, कितना किफायती? देखिए, जैसा हम अक्सर देखते हैं, भारत में बनी हुई तुलनीय चीजें, मतलब कंपैरेबल चीजें, अक्सर 50 से 80% तक सस्ती होती हैं। 50 से 80%, इतना ज्यादा अंतर? जी हाँ, इसका एक बड़ा कारण है यहाँ पर श्रम लागत, मतलब लेबर कॉस्ट का कम होना, और फिर तकनीक अपनी है तो लाइसेंस फीस वगैरह भी नहीं देनी पड़ती। हाँ, ये बात तो है, तो लागत के हिसाब से भी ये एक अच्छा सौदा है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आत्मनिर्भर भारत पहल। जी, आत्मनिर्भरता। ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर उस अभियान से जुड़ता है। जब हम इस तरह की महत्वपूर्ण प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित करते हैं तो हम विदेशी रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। और ये निर्भरता कम करना बहुत जरूरी है, खासकर रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में। एकदम सही। देखिए, हथियार खरीदना भारत के बजट में सबसे बड़े खर्चों में से एक रहा है, तो इस तरह की पहल से न सिर्फ पैसा बचता है बल्कि भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बनता है, जो कि बहुत सराहनीय बात है। साथ ही एक और फायदा है, जब उत्पादन स्वदेशी होता है तो अपनी क्षमताओं को, मतलब सिस्टम की बारीकियों को, गुप्त रखना ज्यादा आसान होता है। हाँ, ये भी एक बड़ा रणनीतिक फायदा है, दूसरे देशों को ठीक ठीक पता नहीं चलेगा कि हमारी क्षमता क्या है। बिल्कुल। तो ये तो होगी वर्तमान की बात, क्या भविष्य के लिए भी कुछ योजनाएं हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? ये यहीं रुकेगा या आगे भी जाएगा? नहीं, ये यहीं नहीं रुक रहा, भविष्य के लिए भी काफी योजनाएं हैं। इसके विकास में फेज 2 भी शामिल है। फेज 2, उसमें क्या होगा? फेज 2 में 400 किलोमीटर से भी अधिक रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित करने की योजना है। 400 किलोमीटर से ज्यादा? जी हाँ, और ये मिसाइलें और भी उन्नत सेंसर और AI सक्षम, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली से लैस होंगी। AI का इस्तेमाल, मतलब ये सिस्टम खुद ही खतरे को पहचान कर फैसला ले सकेगा। हाँ, कुछ हद तक AI मदद करेगा जल्दी और सटीक फैसला लेने में, खासकर जब एक साथ कई खतरे हों। और एक और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय नौसेना भी भविष्य के जो युद्धपोत बनेंगे उन पर M1 और M2 मिसाइलें तैनात करने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ जमीन आधारित नहीं रहेगा, नेवी भी इस्तेमाल करेगी? जी, ऐसी योजना है, इससे नौसेना के जहाजों की हवाई सुरक्षा भी और मजबूत होगी। ये तो बहुत व्यापक योजना लग रही है। अब एक तुलना करते हैं, अमेरिका का एक मशहूर सिस्टम है थैड, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। जी, उससे अगर हम कुशा की तुलना करें तो क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? हाँ, थैड से तुलना करना स्वाभाविक है क्योंकि वो भी एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी अंतर है। थैड जो है वो मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, वो भी उनके टर्मिनल फेज में, यानी जब वो नीचे आ रहे होते हैं। अच्छा, तो उसका फोकस बैलिस्टिक मिसाइलों पे ज्यादा है? हाँ, मुख्य फोकस वही है, जबकि कुशा को, जैसा हमने पहले बात की, S-400 की तरह ज्यादा व्यापक भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, मतलब ये लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें, इन सभी तरह के खतरों से निपटने के लिए बनाया जा रहा है। तो कुशा का दायरा ज्यादा बड़ा है खतरों के लिहाज से। बिल्कुल, और रेंज का भी फर्क है। हाँ, रेंज की बात करें तो थैड की जो बताई गई रेंज है वो करीब 350 से 200 किलोमीटर है। 350 से 200 किलोमीटर, जबकि कुशा का लक्ष्य, जैसा हमने देखा, अभी 350 किलोमीटर तक है,
M3 मिसाइल से और भविष्य में फेज 2 में इसे 400 किलोमीटर से भी आगे ले जाने की योजना है। तो रेंज के मामले में कुशा काफी आगे निकल जाएगा थर्ड से। जी, योजना तो यही है। तो संक्षेप में अगर कहें तो थर्ड एक तरह का स्पेशलिस्ट है जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन पर फोकस करता है, जबकि कुशा एक मल्टी रोल सिस्टम बनने जा रहा है जो विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के खिलाफ ज्यादा व्यापक मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम रक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, काफी हद तक S-400 की तरह। समझ गया। तो दोनों की भूमिकाएं थोड़ी अलग हैं, हालांकि दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक और हथियार प्रणाली नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई तकनीकी शक्ति का प्रतीक है और रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के उसके दृढ़ संकल्प का भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, ये एक स्टेटमेंट भी है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है विचार करने के लिए कि जब ये प्रणाली मान लीजिए 2028-2029 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी, मतलब ऑपरेशनल हो जाएगी और तैनात कर दी जाएगी, तो ये इस पूरे क्षेत्र में मतलब हमारे पड़ोस में और उसके आगे भी शक्ति संतुलन और रणनीतिक गणनाओं को कैसे प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जब भारत के पास इतनी शक्तिशाली स्वदेशी प्रणाली होगी तो निश्चित रूप से इसका असर क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में ये कैसे आकार लेता है। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट प्रोजेक्ट कुशा पर, जो भारत के डिफेंस सिस्टम में आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। देसी विमर्श देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी और रक्षा से जुड़े विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे पिछले पॉडकास्ट भी जरूर देखें, आपको काफी जानकारी मिलेगी। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम कोई नया विषय लेकर आएं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जहां हम फिर लाएंगे एक नया विषय, एक नया विश्लेषण और एक नया दृष्टिकोण सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।